नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यम का दीपक कहाँ और क्यों जलाते हैं, किस दिन जलाना चाहिए, आज हम आपको बताएंगे। तो यम का दीपक कुछ लोग धनतेरस के दिन जलाते हैं, कुछ लोग छोटी दीपावली के दिन जलाते हैं जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो यम का दीपक घर के बाहर जलाया जाता है और दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। यम का दिया जलाने के लिए एक मिट्टी का बड़ा दिया ले लें, या तो आटा गूंथ कर उसका भी दिया बना लें, उसे भी दिया बन जाता है और इसमें भी आप दिया जला सकते हैं। तो दिया के अंदर सरसों का तेल डालना है हमें, उसके अंदर हमें याद रखना है हमें सरसों का तेल डालना है, और दिया के अंदर चौमुखी बत्ती जलानी है। आप कोई भी बत्ती ले सकते हैं, रुई की बत्ती बना सकते हैं या फिर कलावे की बत्ती बना सकते हैं, और इसका जो मुँह होना चाहिए चारों दिशाओं में होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक लकड़ी का पाटा या चौकी ले लें, उसे अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसके ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर चावल रखें, फिर उसके ऊपर दिया रखें और फूल मिठाई चढ़ाएं और कौड़ी, एक छोटी सी सफ़ेद कलर की आपको कौड़ी मिल जाएगी बाज़ार में, आप कौड़ी भी ज़रूर चढ़ाएं, इससे बहुत लाभ मिलता है। और यम देव से अपने परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य, लंबी आयु की, सुख समृद्धि की कामना करें। नरक चतुर्दशी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने एक नरकासुर नामक राक्षस का उसी दिन उद्धार किया था, छोटी दीपावली के दिन, जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं। उसी दिन को हम नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। तो यम का दीपक शाम के समय सूर्यास्त के बाद, जब आपके घर के सभी सदस्य घर के अंदर हों, तो जलाना चाहिए। यम देव अकाल मृत्यु से हम सबको बचाते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से आप लोग धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली का पर्व मनाएं, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें और उनका आशीर्वाद पाएं। जय माता दी।